जी भर कर देख लीजिए मर्डर 2 की स्टार कास्ट और फिल्म की पूरी टीम को। ये सब पहुँचे हैं मर्डर 2 की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन जैसे ही बात आएगी अपनी फिल्म की इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने की, तो इन्हें शायद ही मिलेगा कोई मौका। भाई भट्ट साहब जो यहाँ है, क्योंकि भट्ट साहब तो अपनी टीम के नॉन स्टार होने को ही अपनी फिल्म मेकिंग की USP बता रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि समंदर है, नदियाँ बह रही है, एक लोटा पानी गिर जाएगा तो क्या भूखे मर प्यासे मर जाएंगे? और नए नदी में बता रहे श्रीलंका से आई हमारे पास ना, अधिकार शादा पर आई थी बेचारी हरियाणा से, होता रहता है लॉट ऑफ टैलेंट, और हमको बिल्कुल इस बात की तकलीफ उठा कर एक रत्ती भर तकलीफ नहीं है कि जो हमारे साथ में थे आज वो स्टार बन गए हैं, उनकी कामयाबी से हमें खुशी मिलती है। और हम स्टार्स के पास फिल्म नहीं बनाते, हम फिल्में बनाते हैं, हमारे बजट में फिल्म बनाते हैं, और हमारे बजट में हमारे रिदम पे जो हमारे साथ चलता है उनके साथ काम करते हैं। जैकलिन फर्नांडिस को तो भट्ट साहब ने सस्ते में छोड़ दिया। देखिए अपनी टीम के बाकी लोगों की कामयाबी गिनाने का भट्ट साहब का अनोखा तरीका। अपने राइटर की तारीफ में भट्ट साहब जो कह रहे हैं उसे जरा ध्यान से सुनिए। राइटर कल तक ये बेचारी जन्नत की जिंदगी जी रही थी, रात को बाग में गाना गाती थी, दिन में स्ट्रगल करती थी, वहां से उनका सफर जो है एज अ सक्सेसफुल राइटर इज नो ऑर्डिनरी अचीवमेंट। बिल्कुल भट्ट साहब, सबकी ही अचीवमेंट है ये, पर तारीफ का ये अंदाज थोड़ा एहसान नुमा लग रहा है। आप अपनी टीम की अचीवमेंट्स को कुछ इसी ढंग से गिना जो रहे हैं? ये जो वो है सुनील साहब है, लैपर बॉय है, एक अपना विक्रम भट्ट के साथ में इन्होंने अपना सफर शुरू किया था, आज बहुत कामयाब डायरेक्टर है। और ये जो है निकम्मा, और जब इन्होंने एक्टिंग का सफर शुरू किया तो पहले फोटो सेशन में एक बहुत नामचीन स्टार थी, उनके साथ भी इनकी हालत ऐसी हो गई कि काटो वो भूत नहीं। EDMs को छोड़िए भट्ट साहब, सीधे सीधे बताइए आपकी सक्सेस का राज। ये समंदर है, लहरा है, दलिया बह रही है, बहुत टैलेंट है हिंदुस्तान में। अगर हाँ टैलेंट को परखने का टैलेंट नहीं है इस ग्रुप में, वो टैलेंट हमारे पास टैलेंट को परखने का टैलेंट, पर हमने ये बार बार सिद्ध किया। और हमने अपना ब्रांड जो है इस ब्रांड ऑब्सेस्ड के एज में, जहाँ पर आप केवल नाम बड़े बड़े स्टार को बैसाखी बना के तकलीफ में यकीन करते हैं, हमने अपने पैरों पे कांपते हुए बैठे जब सफर शुरू किया था 1999 में, तो आज हमने 10 साल करके दिखाया है। वाह भट्ट साहब, तालियां बजनी चाहिए आपके इस अचीवमेंट पर। लेकिन अगर आपको ये बात खुद कहनी पड़ रही है तो मामला थोड़ा पेचीदा है, और आपने इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है अपनी टीम की थोड़ा हट के अंदाज में तारीफ करके। कल तक ये बेचारी जिंदगी जी रही थी, रात को बाग में गाना गाती थी, जब मैं स्ट्रगल करती थी,